बिहार में कैबिनेट का विस्तार आज हो रहा है। बता दें कि जिनको मंत्री बनना हो धीरे धीरे वो राजभवन की ओर रुख कर रहे हैं और राजभवन की ओर जा रहे हैं। बता दें कि पूर्व में जो जेडीयू कोटे से जो मंत्री थे जमा खान, वो जमा खान अंदर गए हैं। उसके साथ साथ जो धीरे धीरे जो तमाम जो लोग हैं, तमाम लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गई है। ये राजभवन का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बता दें कि राजभवन का तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम कर दी गई है। और एक तरफ जो तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि कब कैबिनेट विस्तार होगा, और ऐसे में बता दें कि लोकसभा चुनाव भी सर पे है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। और ऐसे में अब जो बिहार में है मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, आज विस्तार संभवतः 6:30 बजे हो जाएगी। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव को लेकर भी कही जाए तो कल तक घोषणा भी हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव कब होगा, कितने चरण में होगा। उसके साथ साथ जो जितने लोगों का मंत्री बनना है सभी लोगों के आने की सिलसिला शुरू हो गई है। और उसके साथ बता दें कि जेडीयू कोटे से जो पुराने मंत्री हैं उन्हीं लोगों को इस बार जिम्मेदारी दी जा रही है। एक जो मंत्री थे संजय झा के जगह पर महेश्वर हजारी को दिया जा रहा है जिम्मेदारी। जो महेश्वर हजारी पूर्व में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। और ऐसे में साथ सब बता दें कि जो बीजेपी कोटे से अगर बात करें तो बीजेपी के कोटे से जो कई पुराने मंत्री हैं उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। और कई लोग जो नए चेहरे आए हैं, 9 से 10 जो चेहरे हैं वो नए चेहरे हैं, जिसमें हरीश साहनी हैं और उसके साथ साथ जो कुमार शैलेंद्र हैं उन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। और ऐसे में साफ तौर पर जो अभी कहीं राजभवन का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लोगों के आने की सिलसिला शुरू हो गई है। शाम 6:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा और इसमें जो तमाम जो लोग हैं तमाम लोगों को जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, किनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, किनको क्या हो जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको लेकर सारा लिखा जोखा जो है आज राज्यपाल सभी लोगों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद जो कहे थे बिहार में पूर्णतः NDA की सरकार बन गई है और सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाएगी। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज वॉइस को पटना। IIT GE NEET एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी। साथ ही साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड, धनबाद। एडमिशन ओपन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तुविहार।